हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी 2022 काउंसलिंग फीस रिफंड के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, यदि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है या फिर आपके फीस फेल हो चुके हैं, ठीक है, इस दो बार आपका पेमेंट हो चुका है तो एक बार का आपका रिफंड नहीं हुआ है, तो इस तौर पर आपको यहाँ पर फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जानेंगे कि आपको यहाँ पर पीटीटी 2022 फीस का रिफंड का फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है PTET, आपको यहां पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगा PTTRAS2022.com, इस पर क्लिक कर देना है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद जिसका भी आप रिफंड लेना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे, 2 ईयर्स वाले ऑप्शन यहां पर क्लिक करेंगे और 4 ईयर बीएड वाले कैंडिडेट यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 ईयर्स बीएड वाले कैंडिडेट का दिखाने वाला हूं, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपका यहां पर जो नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो इसकी डेट है 8 फरवरी से लेकर आपका यहाँ पर 15 फरवरी तक आपको यहाँ पर फॉर्म चलेंगे, ठीक है। लास्ट डेट 15 फरवरी रखी गई है। इसके बाद रिफंड का फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है अप्लाई फॉर रिफंड का, आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस तरह का देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स आपको PTT 2022 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका रोल नंबर डालना है, काउंसलिंग आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेम यहाँ पर डालना है, अपनी मदर्स का नेम। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, डे मंथ और ईयर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पूरी डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पर जनरल डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद यह वाला ऑप्शन है ISF कोड, आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर अपना बैंक का ISF कोड डाल लेना है जो कि बैंक डायरी में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, खाता संख्या यहाँ पर डालेंगे, खाता संख्या को दोबारा आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपका कैंडिडेट नेम इन अकाउंट, यानी कि आपके खाते में आपका नेम किस तरह से लिखा हुआ है तो आपका पूरा नेम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद स्कैन कॉपी और पासबुक, यानी कि आपकी बैंक डायरी की पासबुक आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसको आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं देखें कितने KB में आपको अपलोड करना है, कौन सी साइज में, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेना है, और उसका साइज यदि आपको अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको JPEG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसका साइज आपको यहाँ पर 100 KB के लगभग रखना है, ठीक है। 100 या 200 KB से कम आपको यहाँ पर साइज रखना है तो आपको फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड के आगे और पीछे दोनों का पेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है एक सिंगल फाइल में, ठीक है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करके आपको जहाँ कहीं भी आपका फोटो वगैरह डायरी रखी हुई है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो बैंक डायरी है मेरी, इसका साइज आपको यहाँ पर 1 MB देख सकते हैं। मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ कि अपलोड होती हैं या नहीं होती हैं। तो 1 MB वाले मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने बैंक डायरी और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो चालान नंबर है इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर टिक मार करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में रिफंड टू डन में आपको यहाँ पर येस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर क्यूरी आते हैं कि येस करें या नो, ठीक है। तो आपको येस करना है, येस करेंगे तभी आपका रिफंड होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा, ठीक है। नो कर देंगे तो इसका मतलब ये समझोगा कि आपको रिफंड हो चुका है तो कब दोबारा रिफंड नहीं होगा, इसलिए आपको येस वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यदि आपको यहाँ पर 2030 का जो चालान है तो आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसका भी चालान ले सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट अनदर चालान वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चालान की डालने की जो इन्फॉर्मेशन है, चालान नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन डेट, पेमेंट टू येस में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सेलेक्ट किया है, कौन से पेमेंट से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर 22,000 की फीस फेल्ड हो चुकी है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, 5,000 की फीस आपको यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो चुकी है या फिर दोनों में से कोई भी फीस दो बार पेमेंट हो चुकी है तो उसका चालान नंबर उसकी जानकारी यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद जो पेमेंट आपकी फेल्ड हुई है फिर दोबारा पेमेंट हुआ है वो वाली स्लिप आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। यदि एक ही चालान है तो आपको नो वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर एग्री करेंगे, ठीक है, टिक मार्क कर लेना है। इसके बाद पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रखना कि जो बैंक खाता की संख्या के सेम की ही देना है, यदि दूसरे की बैंक की डिटेल डालेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेव करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो मैंने आपको यहाँ पर 1 MB की भी यहाँ अपलोड की है और 200 KB की भी यहाँ पर अपलोड करी है और दोनों का JPG फॉर्मेट में, तो आपको आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपकी फीस की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको रिफंड जो फीस है, ठीक है, सो फ्रेंड इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक है टू प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके इसको प्रिंट को सेव कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से PDD 2022 का फीस रिफंड का फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दिया है। यदि कोई भी सवाल कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जरूर बताना है आपकी अप्लाई ID कितने नंबर की आ रही है। मेरे यहाँ पर 11,000 तक लोग यहाँ पर भर चुके हैं और आप जब फॉर्म बनेंगे तो आपकी कितनी ID यहाँ पर आ रही है, कितने नंबर की आ रही है, वो कमेंट में जरूर बताएगा ताकि आप पता चल सके कितने स्टूडेंट ने रिफंड का फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।